हेलो एवरीवन, मैं रोहित DCI डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साल 2020 जिसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी ख़त्म किया है, बट एक नया साल, एक नई उम्मीद और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हम सबके सामने हैं। 5 जनवरी से आपके NDA 1 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ऑनलाइन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है और उसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 2021 के लिए आपके क्या एज लिमिट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और कितनी उसमें वैकेंसीज हैं। उसके लिए आप हमारे वीडियो के ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को सारा इन्फॉर्मेशन उसमें से आप देख सकते हैं। और एक नई अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने है जो है आपकी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हमेशा से इस वेट में रहते हैं कि कब एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो इंडियन एयरफोर्स ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 22 जनवरी से उसकी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो जो बच्चे अपने आप को डिफेंस सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वाकई उनका सपना डिफेंस सेक्टर है, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, जो परसेंटेज होती है, वो 7 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। तो आज इसके सेशन में आपसे मैं बात करूँगा कि इंडियन एयरफोर्स का जो एक्स और वाई का ग्रुप का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपको पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेंगे, कैसे आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करूंगा आपको हर एक वो कंप्लीट डिटेल दे सकूं ताकि आपको कोई भी माइंड में कंफ्यूजन ना रहे इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए क्या स्ट्रेटजीज होने वाली हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया है वो आपका 22 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 22 जनवरी 2021 से आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है वो आपका 18 अप्रैल से आपका 22 अप्रैल के बीच में होगा। मीन्स 18, 19, 20, 21, 22 आपकी ये डेट्स रहेंगी एग्ज़ाम की। तो आप जब उसको फिलअप करेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम का डेट होगा वो 18, 19, 20, 21, 22 जो भी हो सकती है आ सकती है। तो आपने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपके लिए, कि कौन कौन बच्चे अपने आप को इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप एक्स के लिए, जो आपकी टेक्निकल ट्रेड होती है। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए और इक्विवेलेंट जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर आपके पास फिजिक्स मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए। 10+2 आपकी विद एग्रीगेट 50% मार्क्स होनी चाहिए और साथ के साथ जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए। सेकंड इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका कि जिन बच्चों ने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, वो भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। बट हाँ, उसमें भी उसके लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है कि उसका जो डिप्लोमा है उसमें उसके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। बात करते हैं ग्रुप वाई की, जो आपकी नॉन टेक्निकल के लिए है। एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, GTI और म्यूजिशियंस। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल ग्रुप वाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आपकी 10+2 होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, वो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में एग्रीगेट होने चाहिए। ग्रुप वाई की बात कर रहा हूँ नॉन टेक्निकल, अब मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। इसमें आपकी 10+2 और इक्विवेलेंट स्ट्रीम होती है आपकी साथ ही में, और इसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में यहाँ पर कंपलसरी हैं, आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप एक्स और वाई, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपकी 10+2 होनी चाहिए इक्विवेलेंट विद मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स। स्पेशली 10+2 जो मैं आपको बता इक्विवेलेंट होती है आपकी मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश, यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट विल टेक द एग्जामिनेशन फॉर बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए सिटिंग इन वन एग्जाम। मीन्स वो एक ही बारी में बैठकर ग्रुप और एक्स और वाई दोनों के एग्जाम दे सकता है। अगर स्टूडेंट इंग्लिश फिजिक्स और मैथ को क्लियर कर लेता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा ग्रुप एक्स के लिए। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने की है, मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट एग्जाम में बैठकर एक साथ ग्रुप और एक्स और वाई के एग्जाम को दे सकता है। अगर वो कैंडिडेट इंग्लिश फिजिक्स और मैथ के एग्जाम को क्लियर करता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा ग्रुप एक्स के लिए। अगर वो स्टूडेंट इंग्लिश रीजनिंग और GK के एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसको कंसीडर किया जाए ग्रुप वाई के लिए। अगर वो कैंडिडेट इन चारों सब्जेक्ट को क्लियर कर लेता है तो उसको ग्रुप और एक्स और वाई बोथ के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं जो सबसे हर कैंडिडेट के माइंड में रहता है कि इसके लिए हमारे पास क्या पे एंड अलाउंसेज मिलेंगे।
तो जो आपके पे अलाउंसेस की मैं आपसे बात करता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग टाइम में होंगे तो उसमें आपको एक स्टिपिड स्काई फंड बोलते हैं जिसको मिलेगा, जो आपका होगा तकरीबन 14,600 अप्रॉक्सीमेटली ट्रेनिंग के टाइम को आपको मिलेगा। जो जब आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ग्रुप एक्स टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी पर मंथ सैलरी होगी होगी तकरीबन आपकी 33,100 रुपये पर मंथ अप्रॉक्सीमेट, और जो ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल है उसके लिए आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ तकरीबन 26,900 रुपये। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और टाइम टू टाइम ये आपके जो अदर आपको पे अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आर्मी में तो एयरफोर्स के अंदर, वो तो नहीं है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ। अगर आप मैं आपसे बात करूँ मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हाइट आपकी तकरीबन जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है आपकी, चाहे वो आपकी ग्रुप एक्स वाई ट्रेन नॉन टेक्निकल टेक्निकल हो, चाहे आपकी इंडियन एयरफोर्स पुलिस के लिए होगी, जिस भी ट्रेड हो, मिनिमम हाइट की मैं बात कर रहा हूँ आपकी तकरीबन 152.5 सेंटीमीटर तो मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए यहाँ पर। चेस्ट मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा, वेट आपका मिनिमम 55 केजी आपका चाहिए, और डेंटल के लिए भी कंडीशन है कि आपके हेल्दी डेंटल दांत होने चाहिए, गुड सेट ऑफ टीथ का होना चाहिए, और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपके कंसीडर किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा आपका इसके अंदर, सबसे पहले आपका होगा फेज़ वन जिसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फेज़ टू के अंदर क्या होगा, फेज़ टू में सबसे पहले आपका होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, देन आपका होगा PFT जिसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आपके होंगे दो टेस्ट जिसको बोलते हैं अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 एंड अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2, इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और फेज़ 3 जो लास्ट होगा आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। देन उसके बाद आती है कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ें, अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.airmanselection.gov.in के ऊपर। और दोबारा से आपको मैं बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। स्टार्टिंग डेट्स रहेंगी आपकी 22 जनवरी 2021 और लास्ट डेट रहेगी आपकी फील्ड को करने की एग्ज़ाम 7 फरवरी 2021। तो ये चीज़ आपको माइंड में जरूर रखना। जो आपका एग्ज़ाम होगा आपका 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में, यानी 18 और 22 अप्रैल दोनों डेट्स आपकी रहेंगी, और जो आपका एग्ज़ाम मोड होगा वो होगा आपका ऑनलाइन। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम को फिलअप करते हो या एग्ज़ाम के रिलेटेड आप जो भी चीज़ें देखते हो। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट लेके आएंगे उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस टाइप का एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होता है, क्या क्या उसमें सिलेबस होते हैं, कौन कौन से आप स्ट्रेटजीज को फॉलो करके बहुत ईजी तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि NDA के लिए भी हमारे पास ऑफिशियल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और एयरफोर्स के लिए भी हमारे पास बैचेस हम कंडक्ट करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपने आपको एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर DCG Academy के साथ जुड़कर अपने जो एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेज हैं उनको 7% और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर हेल्प आउट करेगा, आपकी इन डिटेल्स के साथ अब कहीं ना कहीं हेल्प आउट जरूर होगी। तो टिल देन थैंक यू, जय हिंद।